नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों तो कहाँ पे दोस्तों हुई है बिक्री प्रभावित बारिश की वजह से। अब कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका में दोस्तों, बेंगलोर की बात करें अगर तो बेंगलोर में बारिश हो रही है, आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, रात को भी बारिश हुई, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत बिक्री भी प्रभावित हुई है आलू की। तो इसकी वजह से दोस्तों थोड़ी सी मंडी साउथ की डाउन भी चल रही है एक दो दिन से। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसानों से मेरी बात होती है, किसान भाई ये कह रहे हैं शर्मा जी 1000 रुपए कट्टे से ऊपर आलू बिक रहा है। मैंने कि भाई निकासी इतनी अच्छी चल रही है, निकासी जितनी सोच रहे थे उस हिसाब से चलती चली आ रही है। तो सभी किसान भाइयों ने समझदारी दिखाई है और लोग कह रहे हैं कि शर्मा जी 1000 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, 1050 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, 1100 रुपए तक आलू बिक रहे हैं, तो ये भाव कम थोड़ी है, इसलिए हम लोग आलू की बिक्री सोलोली कर रहे हैं। तो मैंने कि बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात कौन सी है, आप लोगों को संतुष्टि होनी चाहिए, सही है ना। और दोस्तों मुंबई मंडी की आज अगर हम बात करें तो मुंबई में आज जबरदस्त तेजी आई है एक साथ आलू की अराइवल। दोस्तों आलू का एक साथ लिमिटेड हो गया और व्यापारियों ने समझदारी दिखाई। तो दोस्तों ये एक हमने एक दो दिन पहले मुहिम चलाई थी कि भाई कम आलू भेजो मुंबई में, तो उसका असर दिखा। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की वजह से ही, सब किसानों की वजह से हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों काफी हद तक व्यस्तता है इस समय, बहुत भयंकर वाली मेरे पास, आप समझ लीजिए कि बहुत काम है इस बार, घर के पर्सनल भी काम बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अपडेट समय समय पर दूं। कल मैंने वीडियो नहीं डाला, मुझे मालूम है कि कितना लोगों को कष्ट हुआ, लोगों ने कल बहुत से लोग तो बेचारे ऐसे जो कोल्डों पे बिक्री करने भी नहीं गए। तो किसान भाइयों कोशिश यही करता हूं मैं कि आप लोगों को समय पर अपडेट देता रहूं, और इसीलिए दोस्तों मैं काम कर रहा हूं। बात करें अगर आज वीवीआईपी आलू की, जो मुंबई मंडी में बिके हैं, वो 23 से लेकर 24 रुपए 25 रुपए किलो तक आज आलू बिके, हल्की क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं दोस्तों 20 से 21 22 23 रुपए किलो तक। हाइब्रिड आलू भी दोस्तों 19 20 रुपए किलो आज बिक गए। गुजरात का एलाट बेफर वाला 23 से 25 रुपए किलो बिक गया। एमपी का ज्योति 25 से लेकर 27 रुपए किलो बिक गया आज। एमपी का ज्योति हल्की क्वालिटी का बिक गया 22 से लेकर 24 रुपए किलो तक आज। पंजाब के आलू 18 से 19 रुपए किलो तक बिक गए, नए पुराने जो भी पहुंच रहे। तो ये मुंबई में आज स्थिति रही है, यही मुंबई मंडी 21 रुपए किलो पे आ गई थी, आज 25 रुपए किलो बिकी है दोस्तों। तो किसान भाइयों के लिए ये भी एक खुशखबरी है। अराइवल भी बहुत कम है, 13-14 हजार कट्टे की मात्रा आमदनी है। तभी मैं व्यापारी भाइयों से, अपने से कहता हूं और किसान भाइयों से कि आप लोग समझदारी से काम लें, शोषण सबसे ज्यादा आप लोगों को करते हैं यही लोग आड़ती है। अगर आप अनाप शनाप इनको आलू भेजते रहेंगे तो आप लोगों की देखो निकासी बढ़िया चल रही है, एक दिन लोडिंग बंद करके अगर आपको रेट अच्छे मिल जाए अपने आलू के, तो दोस्तों समझदारी दिखाओ इस चीज में। मेरी पे जेब में तो पैसा जा नहीं रहा है और मेरा घाटा पड़ेगा, तो मेरा तो खेत बिक नहीं रहे, ठीक है ना, पर मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो बहुत से कई व्यापारियों से मेरी बात होती है, कहते हैं शर्मा जी आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो। तो यही दोस्तों स्थिति चल रही है। बाकी आज हमारे यहाँ बारिश की बता रहे हैं नेट कि बारिश हो सकती है, मौसम में गर्मी तो है ही है दोस्तों, पता चलती नहीं है, चाहे जब बारिश हो जाए थोड़ा मौसम ठंडा होगा, आलू की डिमांड भी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। और बात हम करते हैं दोस्तों हाँ किसानों के ऊपर, तो 1000 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, लोगों के मन में संतुष्टि है, बहुत से किसान आलू बेच रहे हैं, पैसे की जरूरत भी है, पट्टे के पैसे देने हैं, किसी को अपना छोटा मोटा काम करना है, मकान बनवाना है, बच्चों की फीस भरनी है, सब चीजें हैं, तो किसान भाई आलू बेच रहे हैं। किसान मुझसे, दो चार किसानों से कल मेरी बात हुई, कह रहे शर्मा जी हम तो अपना आलू बेच रहे हैं। बहुत से किसान कह रहे हैं शर्मा जी हमने तो आधा आलू अपना इस रेट पर बेच लिया, हमें तो बहुत भरपूर पैसा मिल रहा है, क्यों बेकार हड़क पाले। मेरी बढ़िया बात है भाई, अपने अपने समझदारी की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। बात करें दोस्तों बेंगलोर मंडी की, तो 20,000 कट्टा आया है आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 25 से 26 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी को भी थोड़ा सा सबक सिखाओ दोस्तों, जितने भी व्यापारी भाई हैं थोड़ा सा बेंगलोर के लिए भी अराइवल कम कर दो, गाड़ियां जा रही हो तो इधर उधर मोड़ दो किसी मंडी में, क्यों बेकार में इनको पैसे वाला खरीदे रही आड़तियों को। इनकी स्थिति पता है बेंगलोर वालों की क्या है, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो चला रहे हैं, जो ऑल इंडिया पोटैटो मर्चेंट करके ये ग्रुप एक चलता है दोस्तों, जिनके संचालक करते हैं एक आड़ती है, क्या बता रहा हूँ उनका नाम भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कोई बात नहीं है, नाम ग्रुप चल रहा है तो नाम तो पता चलना चाहिए लोगों को। ये है आपका इनकी उसकी फर्म का नाम बताता हूँ मैं आपको क्या है फर्म का नाम, एक सेकंड रुको दोस्तों, मेरे को फर्म का नाम ही नहीं पता, बड़ा बढ़िया, एक मिनट देख के बताता हूँ। ग्रुप का नाम है दोस्तों ऑल इंडिया पोटैटो मर्चेंट करके, सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर करके इनके इनका संचालन करते हैं जो ग्रुप के एडमिन है। तो इसमें दोस्तों आज भाव की अपडेट दी गई है, भाव की बेंगलोर के की 1000 से लेकर 1200 रुपए तक 50 किलो के भाव, ठीक है 1200 रुपए मतलब 24 रुपए किलो तक, जबकि आज रियलिटी में आलू बेंगलोर मंडी में 25 से 26 रुपए किलो बिका है, 1300 रुपए तक बिका है, ठीक है बढ़िया आलू। वीवीआईपी की बात करूं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी वहीं के एक आड़तियों से अपडेट ली है, और हम लेते रहते हैं दोस्तों, वहां पे और भी कई बड़ी बड़ी फर्में हैं जो अपडेट देती है, तो ऐसे आड़ती जो भी ग्रुप का संचालन कर रहे हैं इनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्यों मिसगाइड करते हो व्यापारियों को और किसानों को, और खासकर आगरा वालों को, क्या आप ये समझते हो कि आगरा वालों में दिमाग ही नहीं है,
जब आलू पैदा कर रहे हैं, आलू कोल्ड में स्टोर कर रहे हैं, आलू लोड करके आपके यहाँ भेज रहे हैं, तो आप लोग उनको इतना हल्के में थोड़ी ले सकते हो। तो सही अपडेट दो या ग्रुपों को डिलीट कर दो, इनको क्या जरूरत है इन ग्रुपों में, जो ग्रुप के आपने फर्जीफिकेशन फैलाने के लिए चालू किए। तो इन सब लोगों को दोस्तों इन चीजों को समझना चाहिए, आप जो भी समझदार किसान है इन ग्रुपों को छोड़ देना चाहिए, इनमें रहना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये आपको बरगलाने का काम करते हैं। जब मंडी 26 रुपए किलो बिक रही है तो आप 24 रुपए किलो भाव डालने वाले होते कौन हो, ठीक है। और सब किसानों को, सब व्यापारियों को दिख रहा है कि भाई 20,000 कट्टा मात्र बेंगलोर मंडी में पहुंचा है, तो बेंगलोर मंडी क्या रेट बिकनी चाहिए। पर ये ग्रुपों में भाव डालकर दोस्तों फिर आलू व्यापारियों को सस्ता बेचते हैं और व्यापारियों के खेत मकान और घर तक बिकवा के मानते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये समझिए आप बात, अगर तंत्र बिगड़ जाएगा, व्यापारियों पे पैसा नहीं होगा तो व्यापारी आलू खरीदेंगे कैसे, व्यापारी घाटे में जाएंगे। तो और व्यापारी आलू नहीं खरीदेंगे तो कोल्ड स्टोर लाइन खराब हो जाएगी, और कोल्ड स्टोर लाइन खराब होगी तो किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो उनको सुविधाएं मिल पाएंगी जो मिलनी चाहिए, ठीक है, ना उनकी बिक्री में सुविधाएं मिल पाएंगी जो मिलनी चाहिए। तो ये समझदारी आप लोगों को दिखानी चाहिए, इसलिए बेंगलोर मंडी के लिए अराइवल कम करो, बेंगलोर मंडी में आलू भेजना बंद करो, 2-4 दिन बंद कर दोगे, अपने आप पता चल जाएगी आपकी वैल्यू कि आप लोगों में कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। तमाम भारत में मंडियां हैं दोस्तों, उन मंडियों को आप रुक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप व्यापारी लोग, आप वैसे भी बुद्धिजीवी हो, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लो। बात करें चेन्नई की दोस्तों, तो 22 गाड़ी है एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 से 28 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 25 से 26 रुपए किलो बिक रहा है। बात करें तिरछी की, तो तिरछी आज थोड़ी सी डाउन है, एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 से 28 रुपए किलो बिके, हल्की क्वालिटी के बिके दोस्तों 25 से 26 रुपए किलो। मदुरई 29 से 30 रुपए किलो बढ़िया आलू बिका है, हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 27 से 28 रुपए किलो। बात करते हैं जयपुर मंडी की, तो जयपुर में आज 45 से 50 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से लेकर 17 रुपए किलो। बात करें हॉलैंड की, तो 21 से 22 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं 20 से 21 रुपए किलो। बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों, तो कानपुर में आज जो मोटा आलू बिका है वो 18 से 19 रुपए किलो बिका है, हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 17 से 18 रुपए किलो। और हॉलैंड वो गुल्ले बिक रहे हैं 16 से 17 रुपए किलो बढ़िया, हल्की क्वालिटी का 14-15-16 रुपए किलो तक ज्यादातर हॉलैंड बिक रहा है 20 से 21 रुपए किलो। और आपका चिप्सोना बिक रहा है 19 से लेकर 20 रुपए किलो। बात करें दिल्ली आजादपुर की, तो 88 गाड़ी की आमदनी आप समझ सकते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। हम लोगों ने जागरूकता इतनी फैलाई किसानों के बीच में, व्यापारियों के बीच में इतनी जागरूकता फैलाई कि भैया इस मंडी में आलू की बिक्री आप भेजना कम करो, इस मंडी में आलू भेजना कम करो दोस्तों। तो क्या हुआ पता है, जो आढ़ती है यूट्यूब चैनल वालों से वीडियोस बनवाते हैं उन लोगों के यहाँ सिर्फ गाड़ियां 2-2-3 दिन पहुंच रही हैं, बाकी बहुत से ऐसे आढ़ती हैं दोस्तों जिनके यहाँ आलू का अराइवल बिल्कुल घट चुका है दोस्तों, उनके आलू बिल्कुल पहुंच नहीं रहा है, स्थिति ये हो गई उन लोगों की। खूब इन्होंने किसान व्यापारियों का खूब नुकसान कराया है, तो इन लोगों को भी स्थिति इस समय यह है कि एक भी गाड़ी इनके यहाँ पहुंचना मुश्किल हो रही है और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप लोगों में कितनी क्षमता है, जब आप जैसे ही अराइवल कम करना शुरू कर दोगे आप व्यापारी और किसान, उसी समय पे इन लोगों के होश समझ में आ जाएंगे कि आप लोग कितने वैल्यूएबल हैं, अपनी वैल्यू बना के रखें, ठीक है ना। ये बात करें दिल्ली की, तो एक्स्ट्रा सुपर 37-97 आलू बिके हैं, एक्स्ट्रा सुपर 950 से 1000 रुपए, 900 से 1000 बढ़िया हल्की क्वालिटी का 800 से 900 रुपए। हाइब्रिड आलू 700 से 800 रुपए बिक रहे हैं, चिप्सोना 1000 से 1050 रुपए, 1100 रुपए तक बढ़िया। और आगरा अलीगढ़ का हल्का 900 से 1000 रुपए बिक रहा है, और सूर्य बिक रहा है 1000 से लेकर 1300 रुपए, 1300 रुपए मान लो चंदौसी बंदौसी के, और बाकी हल्की क्वालिटी के मात्र 88 गाड़ियां 2 दिन की मंडी है। फड़पे जो बैलेंस दिखाते हैं आड़ती है लोग वो खत्म हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैसूर में 20 गाड़ी पहुंच गई आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 23 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 21 से 22 रुपए किलो बिक रहा है। नागपुर में दोस्तों गुल्ला बिका है 16 से 18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 24 से 25 रुपए किलो, वो सॉरी 14 से 15 रुपए किलो। और स्थिति एक बताऊंगा आप लोगों को मैं, कि जो नागपुर और लोकल महाराष्ट्र की जो इधर उधर की आउटर की मंडी है, सोलापुर कोल्हापुर नागपुर ये मंडी, इनमें आलू बहुत बढ़िया रेट बिक रहे हैं। महाराष्ट्र अगर मुंबई में तो दोस्तों 2-3 दिन खूब बढ़िया तरह उन्होंने पैसा कमा लिया आढ़तियों ने, उन्होंने आलू इस कदर सस्ता बेचा व्यापारियों को कि मेरी व्यापारियों से कम से कम 20 से बात होती है, वो ये कह रहे शर्मा जी बर्बाद कर दिए हम, 1-1.5 लाख रुपए एक एक गाड़ी पे गए हमारे, अब बताओ आप क्या करो। बात करें दोस्तों मोटा आलू नागपुर में बिक रहा है 22 से 24 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 21 से 22 रुपए किलो। जोधपुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका है 21 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से लेकर 20 रुपए किलो। बंगाल की स्थिति दोस्तों बता दूं, तो मोटा आलू जो स्टोर का बिक रहा है 1180 से 1120 रुपए, हल गड्ढ बिक रहा है 940 से 950 रुपए, केवाईस आलू 1000 से 1050 रुपए बिक रहा है, ये स्थिति चल रही है दोस्तों बंगाल में आलू की। और जो भी मंडी है समस्त मंडी मैंने एक आपको बता दिया, आइडिया हो ही जाता है दोस्तों, बाकी आप सभी लोग समझदार है, समझदारी इतनी आप किसानों में जागरूकता आ चुकी है कि अब किसान वो वाला सिस्टम चला गया कि हम आलू नहीं बेचेंगे लास्ट में बेचेंगे ये करेंगे, किसान समझदारी के साथ धीरे धीरे अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। मैं यही
आप सभी लोगों के लिए कामना करूंगा भगवान से कि आप सभी लोगों के आलू में खूब दबा के आपको सबको पैसा मिले और 1000 रुपए 1050 रुपए कट्टा जिस या 1100 रुपए कट्टा इन रेटों के सपने जो किसान लोग देखते थे वो आज की 2024 में सपने साकार हो रहे हैं और इससे ज्यादा दोस्तों और आगे जो भाव भड़के मिले वो और अच्छी बात है दोस्तों। पर फिलहाल की स्थिति में कोल्डों में 50-40 रुपए की सुस्ती देखी जा रही है क्योंकि कर्नाटका में इधर साउथ में बारिश होना से डिमांड आलू की थोड़ी घटना और जब डिमांड घटती है दोस्तों तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है कोल्ड स्टोरों पर बिक्री में। बाकी ये है कि सब काम बढ़िया चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को।